हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिम ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीदें सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है दिन सैटरडे और हम किचन में हैं और बना रहे हैं नाश्ता। आज नाश्ते में पराठा सब्जी ना बना के सोचिए कुछ हल्का बनाया जाए। तो देखिए, ये हम बना रहे हैं उपमा। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, करी पत्ता और क्या डाले हैं, वो क्या कहते हैं, राई, सब डाल के फिर सूजी डाल के थोड़ा सा भून ले रहे हैं। इधर मूंगफली फ्राई करके रखे हुए हैं और दलिया भी बना है, मेरा दलिया भी बन गया है। तो हल्का नाश्ता होगा उपमा और दलिया। और हम भिगोए हैं चने की दाल, चने की दाल भिगोए हैं। दोपहर में बनाएंगे फरा और सब्जी। मेरा ये फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम पानी डालने जा रहे हैं। पराठा सब्जी रोज खाते हैं तो उस मम्मी से पूछे क्या बनाएं। दलिया बनी हुई है मम्मी, और कुछ बताइए। तो मम्मी बोली हल्का कुछ बना लो। हल्का में नाम क्या है हल्का में तो चूरा है, पोहा है, मतलब कुछ भी था कि पोहा बना लो या उपमा बना लो। तो उपमा हमको बहुत पसंद है लेकिन यहाँ कोई खाता नहीं था, तो ये हम जब से शायद हमको याद है सेकंड टाइम बना रहे हैं उपमा। यहाँ कोई खाता नहीं उपमा, इसलिए पापा को भी शायद नहीं पसंद है और ये इनको तो बिल्कुल नहीं। ये सेकेंड टाइम हम उपमा बना रहे हैं यहाँ पर घर पर अपने, हमको तो अच्छा लगता है। और हरी मटर डाल के तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन इस समय मटर नहीं है तो मूंगफली ही डाल रहे हैं हम। इसमें अब हम डालते हैं मूंगफली, फिर डालेंगे पानी। देखिए, और हल्दी भी डालते हैं हम, हल्दी भी डाले हैं। उसका अब से कलर आता है तो अच्छा लगता है। हम वाइट वाला नहीं बनाते, सफ़ेद। जैसे बहुत लोग हल्दी नहीं डालते तो सफ़ेद सफ़ेद सूजी का बनेगा, लेकिन हम हल्दी डाल के बनाते हैं, हमको अच्छा लगता है। और अपने मैगी में तो हम अक्सर ही बनाते थे उपमा और सबको अच्छा भी लगता था, अपनी अपनी पसंद है। तो चलिए हम इसको बना लें। दूध भी मेरा खोल रहा है। और आज हम पहने हैं ये येलो और ब्लैक साड़ी। आज सैटरडे है, जो मेरी ब्लैक वाली साड़ी थी उसको हम कहीं अंदर रख दिए हैं, तो ये वाली बसंत पंचमी के दिन निकाले थे तो ये पहन ली। इसमें येलो भी है, ब्लैक भी है, थर्सडे को भी चल जाएगा और सैटरडे को भी चल जाएगा। देखिए, तो आज हम ये साड़ी पहने हैं। पानी लगा दिया है उपमा में, बस थोड़ा तेज करके जला दें उपमा ले भी, ज़्यादा समय नहीं लगता बनने में। दलिया थोड़ी ठंडी हो गई, उसको भी गर्म कर लेते हैं। खाना में भी कंफर्म हो गया क्या बनाना है। सुबह ही जब उठे थे रियाज के पापा चाय बना रहे थे, पानी वाली बॉटल भर रहे थे, तभी सोचे कि आज फला बनाते हैं। बहुत दिन हो गया है, मम्मी बहुत दिन से कह भी रही थी तो सुबह ही दाल भी बो दी। मम्मी पूछी दाल किस लिए भी हुई, क्या बना लूँ, फिर फला बनाएंगे आज। तो खाना का पहले इंतजाम कर लिए थे हम, नाश्ता क्या बनेगा वो बता दीजिए। चलिए, अभी ये थोड़ी देर में दूध बह रहा है, उसको भी देख ले, धीमा कर लें, फिर नाश्ता वाश्ता निकालते हैं, करते हैं, मिलते हैं आप लोग से। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद रियांश के साथ। हम लोग का नाश्ता वाश्ता हो गया है, हम जा रहे हैं रियांश के पापा के टिफिन जो ले जाते हैं, उस टिफिन का कवर धोने। गंदा हो गया था, आज टिफिन ले नहीं गए हैं तो हम सोचे आज कवर धो डालते हैं। गर्म पानी से थोड़ा धोएंगे क्योंकि कभी कभी तेल वोल सब्जी का वो करता है, लीकेज कर देता है ना, तो उससे गंदा हो जाता है। मैं सोची आज इसको साफ कर देते हैं, आज टिफिन ले नहीं गए हैं, बोले आज टिफिन मत देना, तो इसको कवर सोची आज धो डाले, सूख जाएगा टांगने में, पानी नहीं चल जाएगा तो। और कलर ऐसा है ऑरेंज कलर ना, कुछ भी दाग पड़ता है तो लगा रहता है, तो सोची इसको धो दे। खाना
आश्रम का हम लोग कर लिए हैं। आज मम्मी के साथ खेल रहा है। आज भी हम लोग के साथ थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिए हैं, अब कुछ देर के लिए राहत हो गई है, तब तक हम अपना इधर वाला छोटा काम कर लें, सब्जी उब्जी काट के रख लें। देखते हैं जो सामान डिब्बा खाली हो गया उसमें सामान डाल दें। चलिए मिलते हैं अभी। हम फिर से चाय बना रहे हैं, रियाज की छोटी बुआ आई है और फूफा जी आए हैं, तो हम चाय छान दे पहले, उपमा गर्म कर दे रहे हैं। उपमा भी बचा था तो हम क्या नाश्ते में दे रहे हैं, उपमा चाय नमकीन। कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, इसलिए उनको खाना था उपमा तो टाइम से पहुंच नहीं। और बच्चा नहीं था तो यूज हो जाएगा नाश्ते में। चलिए हम नाश्ता देके आते हैं। पानी दे दिए हैं, चाय नाश्ता ले जा रहे हैं, तो मिलते हैं कुछ देर बाद अभी। ओके हो गया, अब हम लहसुन वहसुन छील लें अपना फरा के लिए, छील के रख देंगे, थोड़ी देर बाद बनाएंगे। फिर उसके बाद जा रहे हैं दीदी लोग के पास बैठेंगे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, जो होगा सब दिखाते हैं। लहसुन प्याज तो छील लिए, प्याज नहीं पड़ेगा फरा में, वो सब्जी के लिए छीले, लहसुन फरा में छील लें। चाय बची है हम भी ले लें। चलिए थोड़ा सा दीदी के पास बैठते हैं, उसका राटे लहसुन छीलते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। बाय बाय। कहाँ गया था हमारा कुत्ता? फूफा जी के साथ स्कूटी से बाय बाय करके आ गए हो? अरे बाप रे, खुश है, देखिए तेरा वहाँ का हवा मिला। बाय कर रहा है, बाय कर रहा है। हाँ तो अब हम भी ऐसे ही पकड़ के बैठाते, कितनी देर गोदी में इनको लिए गए। ये हम बना रहे हैं मिर्चा लहसुन तेल और अमचूर का कुचवा, जिसको हम लोग कुचवा कुछ कुचा कुछ भी कहिए, या लहसुन मिर्चा पीसा हुआ, अक्सर लोग कुचवा ही कहते हैं, हम लोग कुचवा बनाए। अब डिब्बे में हम निकाल के रख दे रहे हैं, बहुत चटपटा होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो लहसुन की पत्ती घिसा लिया थे, उसके पापा का सूख जाएगा, इससे अच्छा कुछ बना दिया जाए और अच्छा भी लगता है खाने में। तो बन गया है, डिब्बे में निकाल दे रहे हैं। देखिए ये सब मिर्चा कलौजी मिर्चा का ये सब थोड़ा बहुत रहता है खाने में, तो टेस्ट अलग हो जाता है खाने का। और हम सील पे सोचे पहले उसमें चला दे, फिर उसमें फंस जाता है तो निकालने में बहुत वो लगता है, तो हम क्या मिक्सी में चला दे रहे हैं। फिर सूख मतलब दो दिन का हो गया था ना, सूखने लगता है तो पिसाता भी नहीं उसमें जल्दी, हम मिक्सी में हम चला दिए हैं, तो इसमें नमक वमक डाल के चला दिए तो सब चल गया साथ में। फिर ऊपर से सरसों का कच्चा तेल, अमचूर मिला दिए, नमक मिला दिए,
अरे आज की बुआ आई है, रियाज में बुआ साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गए थे बाहर तक घूम के टहल के आए हैं। ये सब तैयारी कर लेते हैं, अभी खाना मम्मी बोली थोड़ी बाद में बनाना, पापा भी खाएंगे नहीं तो खाना हम रुक के बनाएंगे। अभी 12 बजने जा रहा है तो हम बनाते हैं आधे एक घंटे बाद खाना। चलिए मेरा कछुआ तैयार हो गया है, हम इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं। हाथ धो ले, रियाज को लेना रहेगा तो ऊपर अच्छे से हाथ धोना है। चलिए मिलते हैं अभी। अच्छा है, इसमें मिर्च चला रहा है, इसी में दाल धो ले। दाल मेरी फूल गई है, दाल धो के उसी में पीस ले रहे हैं। लहसुन मिर्चा तो डालना ही है, इससे अच्छा इसी में मिर्चा लगा पीस ले पहले। थोड़ा सा मसाला भी पीस के मिलाएंगे तो सब्जी के लिए मसाला पीसेंगे तो उसमें से मिला लेंगे, तो बस उसमें प्याज नहीं डालेंगे, प्याज का तड़का दे देंगे सब्जी में, बाकी लहसुन अदरक मिर्चा सब पड़ता है। भैया क्या बेटा, पापा पापा भी फोन करेंगे तो हम बात कराएंगे। जाता बेटा एक हाथ से धीरे 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 ठोक के ऐसे ऐसे सुलाया जाता है, ऐसे ऐसे निनिया आ जा, निनिया आ जा, धीरे धीरे। हाँ सुला दीजिए, बुआ को सुला दीजिए। सोना हमारा राजा बेटा है कि दादी को दवा निकाल के देता है, बुआ को निन्नी करा दो, खा ली है दवाई, खा ली है दादी, निन्नी करा लीजिए बुआ को। हाँ निन्नी करा दीजिए। अच्छा काची कुची कर दो, काची कुची बुआ को, काची कुची कोरा दूध बार नोरा, रियांश खाए दूध बाद, बुआ चाहते पतवा। जात की मोटाई लागे, हनुमत के आयु लागे, तिलवा जाए सोरे सोरे, रियांश आए ओरे ओरे। ना बाल नहीं खींचते बेटा, निन्नी करा दीजिए बस। रियांश चलिए बुआ का नेल काट दीजिए। कम कर दीजिए, कम कम कर दीजिए बुआ का, और तेल लगा दीजिए, साबुन लगा के सिर में तेल लगा के कम करिए, तेल लगा दीजिए, हो गया। और साबुन लगा दीजिए, साबुन लगा दीजिए, साबुन लगा दीजिए बुआ को, साबुन डिब्बा सहित। चलो अच्छा निकाल लो भैया, नहीं है, चलो ऐसे लगा दीजिए। और तेल लगा दीजिए, तेल नारियल तेल आपके पास है ना, नारियल तेल, नारियल तेल बेटा नहीं वो है, तेल लगा दीजिए बुआ को। ऐसे ही लेके लगा दीजिए, नाक में डालने वाला नहीं है, तेल सर वाला है बेटा। अपने भी नाक में पानी का डाल रहा था। हाँ चलो अब कम कर दो, तो रानी गुड़िया बना दो बुआ को, अब कम कर दो, कम करके अब रानी गुड़िया बना दीजिए। हाँ अब ना जल उतार लो।
हो गया बेटा, हो गया। अब ऐसे कर लीजिए बेटा रियांश, ऐसे करके नजर उतार दीजिए बुआ का, तैयार हो गई बुआ। ऐसे कर लो, ऐसे कर लीजिए, ऐसे रियांश, ऐसे रियांश, ऐसे कर लीजिए बुआ का, नजर उतार लीजिए, रानी गुड़िया तैयार। इतना कर दिया, कम कर दिया, तेल लगाया, शर दबाया, निन्नी कराया गुद्दा, अम्मी बुआ को निन्नी करा दीजिए, फिर से सुला दीजिए। हाँ सुला दीजिए, सो जा बुआ, कान साफ कर रहा है। हो गया बुआ का ना, हाँ हो गया। किचन में बज गया है एक, और धूप बहुत तेज थी तो हम रियाज को धूप में मालिश विलिश कर दी है, एक बार धूप में पूरे बदन में मालिश कर दें, पानी चढ़ा दिए, खोल रहा है, एक बज गया है, हमके अब सब्जी हो गई है तो पराठा भी बना दें, अभी बनने में भी समय लगेगा पकने में। तो देखिए हम बना रहे हैं चावल के आटे का, पानी में डालने जा रहे हैं, दिखाते हैं। देखिए फरा मेरा बना रहे हैं अभी, और ये कढ़ाई में पानी खोल गया है तो हम थोड़ा सा तेल डाल दिए हम, अब और बना ले फरा भी, मसाला भी और है, दाल भी मतलब, और ये भी है तो हम बना लेते हैं। सब्जी बन गई है, अभी रियाज को नींद आने लगेगी ना तो भागना पड़ेगा, इसलिए हम कहें जल्दी जल्दी बना के डाल दें, और यहाँ से अपने बुआ पास हैं अभी खेल रहे हैं, बुआ पास हमके जब तक खेल रहे हो मोबाइल देख रहे हो तब तक हम कर लें फटाफट किचन साफ कर लें जल्दी से चढ़ा के, फिर तो इसको धीमे आंच पे रखते अपना होता रहेगा धीरे धीरे। खूब तेज हवा भी चल रही है, अब तो बसंत आ गया है, पतझड़ वाला समय, पीपल के पत्ते गिर रहे हैं खूब आंगन में झड़ के, मम्मी भी नहीं है, दादी जी के यहाँ बगल में पूजा है तो गई हैं, और दीदी भी आई है तो रियाज को देख रही है तो हम खाना बना ले रहे हैं। पानी खोल रहा है, पहले इसको डाल दे देना, सब खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, देखिए थोड़ा सा और बचा है, मेरी कढ़ाई तो भर गई है, दो चार और बचा है, इसी में डाल देंगे धीरे से, अभी ये और खोल के ऊपर उठेगा जब तो जगह हो जाएगी नीचे, तो चलिए जो बचा है वो भी बना के फिर मिलते हैं आप लोग से। बन गया मेरा खाना कंप्लीट, सब्जी भी हो गई, फरा हो रहा है, बस 5-6 मिनट इसको और ऐसे खोलने देंगे फिर बंद कर देंगे। इधर चटनी भी पिसा गई, रियांश का दूध लेके चले बॉटल में, बॉटल कहाँ रख दी है हम, उसके बाद चलते हैं दूध पी ला के, देखिए सोता है, सुला देते हैं, बज गए हैं 1:30, फिर मम्मी आएंगी तो हम लोग खाना खाएंगे, अगर मम्मी को देर होगा देखते हैं क्या होता है तो हम दीदी खा लेंगे। अरे आज का दूध लेके चले, तो चलिए बाय बाय।